नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। चंद्रयान 2 जो पूरा मिशन था वो विक्रम लैंडर के एक तरह से कह सकते हैं कि लक्ष्य पे न पहुँचने की वजह से काफ़ी निराशा हुई। हालांकि अभी भी वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि किस तरह से उससे संपर्क हो, और जो ऑर्बिटर है वो चूँकि कभी कभी जा करके उससे कनेक्ट हो रहा है, इसलिए उम्मीद की किरण कायम है और लग रहा है कि हो सकता है कि देर सवेर उस लैंडर विक्रम से संपर्क हो जाए। ये तो भविष्य की बात है। खैर, चूंकि 2 किलोमीटर दूर ही हम रह गए थे चांद के साउथ पोल से, इसलिए इतने सब के बावजूद वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है, इसरो की बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि पूरा जो तकनीक था वो स्वदेशी था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार हमने चंद्रयान 2 जो मिशन है इसको क्यों बनाया था, इसका क्या मकसद था, हम क्या पाना चाहते थे जो पाने से रह गए। तो जो सबसे पहला इसका जो मकसद था वो था खोज, तलाश, रिसर्च कि आखिरकार चांद पे क्या क्या है, क्योंकि चंद्रयान 1 ने जो है ये संभावना बताई थी कि वहाँ पे पानी हो सकता है, लेकिन और एग्जैक्ट जानकारी जुटानी थी वहाँ पे किस किस तरह के पदार्थ हैं, किस किस तरह के ऊर्जा के सोर्स हैं जो आगे चल कर के काम आ सकते हैं। इसी में आम आदमी ये सोच सकता है कि मान लीजिए कि हम चंद्रयान 2 अभियान पूरा हमारा सफल हो जाता, लैंडर वहाँ पे उतर जाता, तो आम आदमी को क्या मिलता, हमें क्या इससे फ़ायदा होता। तो दरअसल इस धरती पे जो भी अभी जितनी पॉपुलेशन है उसकी ऊर्जा की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, और वो ऊर्जा कहाँ से आएगी, क्योंकि धीरे धीरे जिस ऊर्जा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कम होती जा रही है। तो उसी में से एक जो है हीलियम 3 है, जो कि बताते ये हैं कि चंद्रमा के आंगन में हीलियम 3 का बहुत बड़ा भंडार है। वो कैसे भंडार बना, तो माना ये जा रहा है कि चांद की उत्पत्ति जो है 4.5 अरब साल पहले हुई थी, और जब उत्पत्ति हुई उस समय वो आग का जलता हुआ गोला था। इसके अलावा जितने भी पिंड थे वो जा करके उससे टकराए, और इसी प्रोसेस में हीलियम 3 चांद के आंगन में पहुँच गया। अब हीलियम 3 कितना है चांद में, चांद के आंगन में, और दुनिया की कितनी ज़रूरत है, भारत को यदि मिल जाता तो फिर क्या होता, भारत आखिरकार चूका, और यदि ये अनमोल रत्न उसे मिल जाता तो किस तरह से वो दुनिया पे राज करता, ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करता, इसको ज़रा देखते हैं। तो एक अनुमान के मुताबिक हीलियम 3 से करीब 500 साल तक ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। दुनिया के विकसित देशों में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की उपलब्धता जो है 4500 किलोवाट है, जबकि भारत में ये सिर्फ 746 किलोवाट है। ऐसे में अगर चांद पर मौजूद हीलियम 3 भारत के हाथ लगता तो ये देश के हर नागरिक की ज़िंदगी बदल सकता था। 10 लाख टन हीलियम मौजूद है ऐसा माना जा रहा है वहाँ पर, और 1 टन हीलियम 3 की कीमत जो है $5 अरब मानी जा रही है। यानी हीलियम 3 न सिर्फ भारत की ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करता, बल्कि आर्थिक तौर पे भारत को मालामाल कर देता। हालांकि हीलियम 3 का पता लगाने पर उसे कैसे निकाला जाएगा, कैसे धरती तक लाया जाएगा, ये एक शोध का विषय है, और इसरो के वैज्ञानिकों ने भी ये कहा था हम पता ज़रूर लगाना चाहते हैं उन सारी चीज़ों का जो चांद के सतह पे है, लेकिन अभी हीलियम 3 निकालने जैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन यदि भारत पता भी लगा लेता तो फिर निकालने की या पृथ्वी पर लाने की प्रोसेस के बारे में, रिसर्च के बारे में फिर आगे की बातें होती। अब देखते हैं कि जो लैंडर विक्रम है वो कनेक्ट हो जाता है ऑर्बिटर से या नहीं हो पाता है, लेकिन चूंकि 2 किलोमीटर की दूरी रह गई थी इसलिए इतने पर भी भारत की उपलब्धि मानी जा रही है, और आगे चल करके इस पर फिर से रिसर्च करके और फिर से कोई अभियान शुरू हो सकता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।